रही है। दिल्ली वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बिजली पैदा करने वाली कंपनी एनटीपीसी को निर्देश दिया है कि वो 31 मई तक पावर कट न लगाए। कोर्ट ने बीएसईएस को भी निर्देश दिया है कि वो एनटीपीसी का बकाया 31 मई तक चुका दे। इंडियन न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, दिल्ली वालों के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए, जाहिर तौर पर राशि यहाँ दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि 31 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को कहा है कि वो बिजली आपूर्ति में कोई भी बाधा नहीं डालेगी, यानी बिजली आपूर्ति वो बीएसईएस को देती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस को साफ तौर पे कहा है कि 2 महीने का भुगतान, तकरीबन 780 करोड़ रुपए, वो 31 मई के पहले एनटीपीसी को दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आशंका भी साफ साफ जताई है कि अगर बीएसईएस एनटीपीसी को पैसे नहीं देता है तो 31 मई के बाद हम अपने इस आदेश को वापस ले सकते हैं जिसमें हमने एनटीपीसी को बिजली आपूर्ति करने से मना किया है। बहरहाल, देखने लायक बात होगी कि क्या बीएसईएस एनटीपीसी को 780 करोड़ का भुगतान राशि अदा करता है कि नहीं, और फिर 31 मई को जब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस ले लेता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा।